हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीवीएस स्टडी में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले यूएयर फॉर्स वाई ग्रुप का सिलेबस 2022 में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। और साथ में एक और टारगेट आप सभी को दूंगा कि 37+ कैसे आपके मार्क्स आएंगे वाई ग्रुप में, इन सभी के बारे में, और आप कैसे ला सकते हैं इजी मेथड से, उन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आज ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए, इस तो ये सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी होगी और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, टॉपिक वाइज किस चैप्टर से या किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, इंग्लिश, रागा, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, सभी से रिलेटेड बताऊंगा। और 37+ का टारगेट आप कैसे अपना अचीव कर पाएंगे, इन सभी के बारे में भी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। एक ही वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप का सिलेबस 2022 के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेक्शन कितने होते हैं एयरफोर्स में, आपके कितने सेक्शन से प्रश्न पूछे जाते हैं या कितने सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर बांटा होगा, तो दो सेक्शन में बांटा होता है। पहला इंग्लिश का एग्जाम आपके एग्जाम में होगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप का आप सबसे पहले एग्जाम देने जाएंगे तो इंग्लिश का प्रश्न आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा। चाहे आप वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप दोनों का साथ में फॉर्म फिल करेंगे, फिर भी आपको इंग्लिश का एग्जाम सबसे पहले देना होगा। उसके बाद आप वाई ग्रुप को अटेम्प्ट करें रागा सेक्शन का, या मैथ फिजिक्स अटेम्प्ट करें एक्स ग्रुप का, आपको जैसे मेथड हो वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन वाई ग्रुप या एक्स ग्रुप में सबसे पहले आपको इंग्लिश का एग्जाम देना ही होगा। दोनों में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने, तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, तो 20 नंबर के होते हैं 20 क्वेश्चन। और 20 मिनट टाइम मिलेंगे आपको इंग्लिश में 20 क्वेश्चन को बनाने के लिए। एक सही क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको एक नंबर दिए जाएंगे और एक गलत आंसर के लिए आपको 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, यानी कि माइनस कर लिए जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश का तो आपको पता ही है, इससे पहले भी मैं एक वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर ज्वाइनिंग प्रोसेस तक संपूर्ण जानकारी बताया हूँ। उससे मैं आपको सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा चुका हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। इंग्लिश के बारे में बात कर चुके हैं, अब चलते हैं रागा सेक्शन में क्या क्या पूछा जाता है, रागा से क्या मतलब है और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के होते हैं। रागा सेक्शन आपको इंग्लिश अटेम्प्ट करने के बाद मिलेगा। 2-3 मिनट के गैप होने के बाद आपको फिर से रागा सेक्शन के लिए अटेम्प्ट होगा। रागा सेक्शन का अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, 2-3 मिनट का गैप होता है इंग्लिश और रागा दोनों के बीच में। इसमें आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे रागा में। रागा क्या है इसके बारे में भी डिटेल से बात करेंगे अगली स्लाइड पे, लेकिन अभी यहाँ पे क्वेश्चन और कितने समय मिलते हैं, कितना मार्क्स मिलता है और कितना मार्क्स कटता है, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 30 क्वेश्चन के लिए आपको 20-25 मिनट टाइम मिलेंगे, 25 मिनट रागा सेक्शन के लिए मिलेंगे। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, तो 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। रागा सेक्शन में क्या क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। रागा सेक्शन में रीजनिंग होता है। रीजनिंग से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, ऐसे तो बताया जाता है कि रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस मिलाकर 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है आपके एग्जाम पैटर्न में, वहां पे कुछ गैप होता है। मैथ में कुछ क्वेश्चन कम होते हैं, वही रीजनिंग में बढ़ जाता है। अगर रीजनिंग में 14-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसका मतलब है मैथ में आपसे 6-7 या 8-9 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितना रीजनिंग ज्यादा होगा उतना मैथ कम होगा, और साथ में जीके जीएस पे भी डिपेंड करता है। जीके जीएस का कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, जीके जीएस का भी प्रश्न आपसे 5-6 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब इंग्लिश का या रीजनिंग का आपसे 14-15 क्वेश्चन रागा सेक्शन में पूछ लेता है, उसके बाद मैथ 7-8 ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे और जीके जीएस में 5-6 ही क्वेश्चन पूछ पाएंगे, क्योंकि आपको टोटल मिलाकर 30 ही क्वेश्चन उनको पूछना है। रागा सेक्शन में टोटल कितने क्वेश्चन पूछने हैं, तो 30 ही क्वेश्चन पूछने हैं। 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट और 25 मिनट टाइम मिलता है, और साथ में 30 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं, 30 नंबर के होते हैं, और गलत एक क्वेश्चन गलत हो जाने पर 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं, यानी कि माइनस कर दिया जाता है जितना आपका सही होगा उसमें से। आप इसमें 37+ टारगेट कैसे करेंगे, इसके बारे में भी अगली स्लाइड में बात करूंगा। अभी इंग्लिश का कुछ देख लीजिए, किस टॉपिक से या किस चैप्टर से कितने प्रश्न आते हैं, किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भी एक और काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पे रागा सेक्शन में इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, वह क्या है, रीजनिंग है। आप देख रहे हैं कि 30 क्वेश्चन में से मात्र 50% तो रागा ही सेक्शन ले जा रहा है, रागा में रीजनिंग सेक्शन ले जा रहा है।
यानी कि 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रागा में, 12 से 15 या 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीजनिंग में, तो आप क्वेश्चन किस चैप्टर से अधिकांश करके आते हैं और कितना चैप्टर आपको पढ़ना ही होगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद इंग्लिश की भी जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे अगले वीडियो किस पे आने वाली है इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं रीजनिंग में किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में, तो देख सकते हैं नॉन वर्बल। नॉन वर्बल किसे कहते हैं? फिगर काउंटिंग इसी में आता है, वाटर इमेज, मिरर इमेज इसी में आता है। ये जनरली टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन वर्बल चैप्टर से। अगर आप नॉन वर्बल को सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं तो 5 नंबर यहाँ से फिक्स है। क्या वो फिगर से इमेज पूछ सकते हैं या उसका फिगर काउंटिंग भी पूछ सकता है, उसमें बहुत सारे चैप्टर होते हैं नॉन वर्बल में, आप उसे देख भी लीजिएगा। और इसकी तैयारी भी मैं कराने वाला हूँ अपने चैनल पे, इसकी भी जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी कैसे आप तैयारी करेंगे डीवीएस स्टडी चैनल के द्वारा या डीवीएस क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा, इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। और साथ में नॉन वर्बल में तो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगला किस चैप्टर से कितने, तो अल्फाबेटिकल सीरीज या नंबर सीरीज मिलाकर 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दे दिया जाएगा ए बी सी, यहाँ पे गैप ई एफ जी एच। अब यहाँ पे पूछेगा कि क्या आएगा, यहाँ पे बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा, इसमें से क्या आएगा, तो आपको भी पता है ए बी सी डी और चौथे नंबर पे ही खाली है, तो चौथे नंबर पे क्या आएगा, तो डी आएगा। इस प्रकार के प्रश्न अल्फाबेटिकल सीरीज में पूछे जाते हैं। और साथ में नंबर सीरीज में कैसा प्रश्न पूछा जाता है देख लीजिए, यहाँ पे खाली स्थान दे देगा और यहाँ पे 36 दे देगा। अब बताएगा कि इसमें अब क्या फील होगा, इसमें फील होगा 20, 25, 30 ये 35, क्या फील होगा, तो आपको भी पता है कि सब का स्क्वायर जोड़ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा, अगला का है थी 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, इसका सही आंसर 25 हो जाएगा। इस प्रकार के अल्फाबेटिकल सीरीज और नंबर सीरीज मिलाकर मात्र 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि जहाँ पे रीजनिंग में 14 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते थे वहां पे सिर्फ 2 चैप्टर मिलाकर 50% मार्क्स कैरी कर रहे हैं, यानी कि नॉन वर्बल और उसके बाद सीरीज या अल्फाबेटिकल सीरीज कहिए या नंबर सीरीज कहिए, अधिकांश करके नंबर सीरीज से ही क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर 2 नंबर सीरीज से आ रहे हैं तो 1 अल्फाबेटिकल सीरीज से अवश्य रहेंगे। यहाँ पे तो सीरीज डायरेक्ट में लिखा हूँ अल्फाबेट सीरीज, आप इसे गौर से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए तो आगे बताता हूँ कि आगे किस चैप्टर से कितने प्रश्न आएंगे इसके बारे में जानकारी देता हूँ रीजनिंग सेक्शन में। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, आप इस तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट करके अपने एग्जाम में जाएंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगा। चलिए तो आगे बात करते हैं कि किस चैप्टर से अब कितने प्रश्न आने वाले हैं, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर बाकी रह गए इसके बारे में जानकारी आपको बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, तो एज प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन दे देगा राम सबसे बड़ा है, राम सबसे बड़ा है, उससे छोटा श्याम है, उससे भी छोटा विष्णु है, उससे भी छोटा कौन है, लक्ष्मण है, इस प्रकार का आपको बता देगा। और इसमें पूछेगा कि लक्ष्मण से सबसे बड़ा कौन है, लक्ष्मण में सभी भाई में लक्ष्मण से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, तो राम है, और राम से छोटा कौन है, सबसे छोटा तो लक्ष्मण है। और पूछेगा कि दोनों में लक्ष्मण और राम के बीच में कितने भाई बैठे हुए हैं, तो 2 भाई बैठे हुए हैं, श्याम और विष्णु। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे एज प्रॉब्लम में पूछा जाता है, यानी कि 12 छोटा डिक्रीज करके इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं एज प्रॉब्लम में। और इसके बाद बता दूं कि अगला किस चैप्टर से प्रश्न आने की संभावना है, तो क्लॉक, क्लॉक से भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 12:30 हो रहा है तो बताइए घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है, मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा कि मान लीजिए अभी 11:55 है, टाइम हो रहा है, और 12 बजे तक कितने डिग्री का कोण मिनट वाली सुई बनाएगी, 5 मिनट मिनट वाली सुई को तय करना है, तो 5 मिनट में, 1 मिनट में तो 6 डिग्री कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 30 डिग्री का कोण बनाएगी। इस प्रकार का भी प्रश्न आपसे क्लॉक में पूछा जाता है, किस सेक्शन में, रीजनिंग सेक्शन में, रागा सेक्शन में, वाई ग्रुप में पूछा जाता है। यह जानकारी तो मैं आपको बता दिया हूँ कि कितने प्रश्न किस चैप्टर से आते हैं, और आगे बताता हूँ कि अब और किस चैप्टर से आएंगे, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्या मतलब है, मान लीजिए कोई व्यक्ति सुबह में पूर्व की दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, पूर्व दिशा में, किधर, पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व दिशा किधर है, ऐसे होता है ना, पूर्व, पूर्व यहाँ पे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, ऊपर होता है क्या, उत्तर होता है, उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इस प्रकार का होता है। तो पूर्व में मान लीजिए 5 किलोमीटर चलता है,
उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब पूछिएगा कि बताइए वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो किस दिशा में, मान लीजिए यहाँ पे यही कोण बना रहे हैं तो यहाँ पे कैसे होगा, ये इस प्रकार होगा। तो कौन से दिशा में है, तो पूर्व और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और उत्तर दिशा में है, कितने किलोमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये लंब बन जा रहा है, ये आधार लंब, आधार, और यहाँ पे कर्ण। तो कर्ण का क्या होता है, लंब गुना लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का होल, दोनों को जोड़ के रूट अंडर में कर देते हैं, जितना आएगा उतना, यानी कि कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। किस दिशा में, तो पूर्व और उत्तर दिशा में इसका आंसर होगा। यहाँ पे डायरेक्शन किस दिशा में है, तो पूर्व दक्षिण में है, और डिस्टेंस कितना है, तो 5√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपसे डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों से रिलेटेड, या आपसे दिशा पूछ सकता है या दूरी पूछ सकता है, ये दोनों आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक थी एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, ये चैप्टर सा काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इजी से इसे इजी मेथड से कंप्लीट भी कर सकते हैं। और इससे आगे आपको बताने वाला हूँ, एक दो और चैप्टर बाकी रह गए हैं रीजनिंग में, वो कौन सा चैप्टर और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी भी जानकारी आपको बता देता हूँ। थोड़ा तो बोर्ड को मैं क्लियर कर लेता हूँ, इसके बाद बता देता हूँ कि ब्लड रिलेशन से भी आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछेगा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, कौन वक्ता कौन है, तो पुरुष है, और किसके ओर इशारा कर रहा है, तो महिला की ओर, और वह मेरी बहन, वह मेरी बहन की माँ है। अब पूछेगा कि महिला, और जो बोल रहा है वक्ता कौन है, पुरुष, पुरुष उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, इस प्रकार का भी प्रश्न पूछता है। ये सभी आप ब्लड रिलेशन में कंप्लीट कर सकते हैं, और साथ में सीटिंग अरेंजमेंट में, सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने थे, एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोलेगा कि 5 व्यक्ति हैं, 5 अलग अलग पेशे के हैं, एक शिक्षक है, एक वकील है, एक डॉक्टर है, एक प्रोफेसर है, इस प्रकार से 5 बता देंगे, और पांचों ऊपर नीचे मंजिल पे हैं, यानी कि 5 मंजिला इमारत में रहते हैं। पहले पर डॉक्टर रहता है, दूसरे पर प्रोफेसर रहता है, तीसरे पर नहीं देगा आपको और कहेगा पांचवे चौथे पर ही रहता है, तो तीसरे पर कौन रहता है, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। या घुमाओ घुमा के सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न बना दिया जाएगा, उसके बाद आपसे सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न पूछा जाएगा। ये सभी जानकारी आपको बता दिया हूँ रीजनिंग में कहाँ से प्रश्न आएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट रोल कौन सा है, नॉन वर्बल निभा रही है, उसके बाद अल्फाबेट सीरीज, और ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है, आप इसे चाहेंगे तो इस सभी को एक एक दिन में एक चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से एक एक नंबर आपसे बन जाएंगे, यानी कि 14 से 15 नंबर के रीजनिंग पूछे जाते हैं। जनरली आप यहाँ पे काउंट कर रहे होंगे 5 + 3 इस तरह काउंट कर रहे होंगे, तो यह कितना बन रहा है, 10 और 3 13 नंबर ही बन रहा है। यहाँ पे 2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, 1 नंबर आगे पीछे हो सकता है, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, लेकिन ये सभी टॉपिक से इतने प्रश्न निश्चित रूप से आपके एग्जाम में फिक्स रहते हैं। और एक दो क्वेश्चन है तो हो सकता है किसी मिसलेनियस क्लासिफिकेशन से दे दे, जो कहता है कि मान लीजिए भूटान की राजधानी बांग्लादेश है, चाहे बांग्लादेश की राजधानी भूटान है, इस प्रकार सभी कैपिटल को दे देगा, और उसमें से एक दिल्ली की राजधानी भारत है, इस प्रकार दे देगा उल्टा पुल्टा। उसमें पूछेगा इसमें सबसे अलग कौन है, तो उसमें आप छाट सकते हैं, क्लासिफिकेशन उसको कहते हैं, या वन और ऑड वन आउट बोलते हैं। अब यहाँ से बात करते हैं इंग्लिश में, अब किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे। आपको भी पता है इंग्लिश में कितने सेक्शन होते हैं, तो पहला वोकैबुलरी सेक्शन होता है, और दूसरा ग्रामर होता है, तीसरा कंप्रीहेंशन होता है। तो वोकैबुलरी पार्ट से कितने प्रश्न आएंगे, इसके बारे में, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे इसके बारे में बता देता हूँ। एडियम एंड फ्रेजेस से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से फिक्स रहते हैं, एडियम एंड फ्रेजेस से आप कहाँ से तैयारी करेंगे इसकी जानकारी अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे टॉपिक देख लीजिए, इतने टॉपिक से इतने प्रश्न निश्चित रूप से फिक्स रहते हैं। इसके बाद एंटोनिम और सिनोनिम से एक एक क्वेश्चन फिक्स रहते हैं आपके एग्जाम में, वोकैबुलरी पार्ट में। वोकैबुलरी पार्ट कितने कवर करते हैं, तो 5 से 6 नंबर, 5 से 7 नंबर आपको वोकैबुलरी पार्ट से आते हैं, यानी कि जो याद करने वाला होता है वन आउट, एडियम एंड फ्रेजेज, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, सभी आपको आते हैं वोकैबुलरी टेस्ट में, और 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी सेक्शन जाते हैं। अब ग्रामर में आप कैसे तैयारी करेंगे, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। आपको सबसे पहले आर्टिकल कंप्लीट होना ही चाहिए, आर्टिकल कंप्लीट होना चाहिए, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं आपके एग्जाम में। वॉइस, नरेशन और टेंस, ये तीनों टॉपिक मिलाकर 4 नंबर के प्रश्न आपके ग्रामर सेक्शन में बनते हैं, और इंग्लिश सेक्शन में 20 में से 4 क्वेश्चन आपको यही 3 टॉपिक से मिल जाएंगे, यानी कि वॉइस, नरेशन और टेंस। अगर आपको टेंस कंप्लीट है तो वॉइस बना सकते हैं, और वॉइस कंप्लीट है तो आप नरेशन भी बना सकते हैं, यानी कि तीनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। आप बिना टेंस के ये दोनों टॉपिक को पढ़ भी नहीं सकते और आपसे बनेगा भी नहीं क्वेश्चन, इसलिए सबसे पहले अगर आप पढ़ना चाहते हैं सबसे पहले टेंस कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद वॉइस, फिर नरेशन, यहाँ से एक एक क्वेश्चन आपसे पूछ जाते हैं।
उसके बाद सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेंटेंस में कैसा है, तो मान लीजिए असर्टिव सेंटेंस दे देगा, अब इसको बोलेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज कीजिए, या दे देगा सिंपल सेंटेंस का दे देगा, सिंपल सेंटेंस दे देगा और कहेगा इसको कंपाउंड सेंटेंस में चेंज कीजिए, कंपाउंड सेंटेंस में, ये भी सेंटेंस का ही पार्ट है, आप उसे कैसे चेंज करेंगे, आ वक्त मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए, इस प्रकार के भी प्रोसेस में पूछे जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड इसमें भी पूछे जाते हैं, सेंटेंस में ही मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, एक प्रश्न मान लीजिए सेंटेंस से ए को चेंज करने के लिए दे रहा है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा नाउन को वर्ब में चेंज कीजिए, किसमें, वर्ब बनाइए या वर्ब को नाउन बनाइए, कैसे आप बनाएंगे, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। वर्ब दे देगा कहेगा इसका नाउन रूप क्या है, या नाउन दे देगा पूछेगा इसका वर्ब रूप क्या है, इस प्रकार का भी प्रश्न एक पूछता है एग्जाम में। उसके बाद बता दूं कि प्रीपोजिशन से भी एक क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे एग्जाम में, इससे तो प्रीपोजिशन से एक क्वेश्चन रहते हैं, लिस्ट तो आगे बताता हूँ कि प्रीपोजिशन वर्ब फॉर्म से भी क्वेश्चन रहते हैं, तो टेंस आप जैसे पढ़ेंगे वहां से आपका भी वर्ब क्लियर हो जाएगा, वर्ब टू रूप है कि वर्ब थ्री रूप है, इसका प्रयोग आप कहाँ पे वर्ब थ्री लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब टू लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब फाइव लगाएंगे, कहाँ पे वर्ब फोर लगाएंगे, वर्ब फोर को आप कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब फोर में आईएनजी लगा रहता है, इस प्रकार आप कैसे वर्ब फॉर्म को कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो लगभग कितना हो गया, दो चार छह और 6 3 9 9 हो गया, और 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जनरली, यानी कि 12 से 13 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन से पूछे जाते हैं, और वोकैबुलरी सेक्शन से 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 12 से 13 ग्रामर से रह जाएगा और 5 से 7 किससे, वोकैबुलरी से, और कॉम्प्रिहेंशन से 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर ग्रामर में 12 क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ लेगा, इस प्रकार आप देख सकते हैं। एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है किसी सेक्शन में, यहाँ से मान लीजिए अदर या फिर अदर टॉपिक जो डाला हुआ उसको नहीं पूछे, तो यहाँ पे हो सकता है सभी टॉपिक से वोकैबुलरी पार्ट में सिनोनिम एंटोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मेलिंग टेस्ट सब कुछ पूछ ले, और हो सकता है यहाँ से अदर हटा दे और यहाँ पे पढ़िए कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में 5 से 5 क्वेश्चन पूछ लेते, इस प्रकार भी आपका 20 क्वेश्चन पूछ जा रहा है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है एक दो नंबर, लेकिन यहाँ पे हो सकता है सभी टॉपिक में सभी टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाए, लिस्ट तो यहाँ पे इंग्लिश तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे बताता हूँ कि इंग्लिश में कम से कम 17 नंबर आने की गारंटी है, क्योंकि टेंस वॉयस और नायरेशन यहाँ पे 4 नंबर इस यहाँ से बन रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम यहाँ से तो याद करने वाले, अगर आप थोड़ा सा नीतू मैम वाली जो इंग्लिश की बुक आती है वह पढ़ लेंगे तो वहां से आपकी हो जाएगी तैयारी। नीतू मैम की बुक आप जनवरी में खरीदेंगे 2022 का एडिशन मिलेगा, अभी 21 का दिसंबर लास्ट हो रहा है, 21 आप नहीं लीजिएगा 22 का लीजिएगा, कुछ ना कुछ उसमें चेंज रहती है नीतू मैम वाली इंग्लिश की बुक, वहां से आप ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं, वोकैबुलरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सिनोनिम एंटोनिम सब कुछ वहीं से कवर कर सकते हैं इंग्लिश का जितना भी है, और पिकी वाले यानी कि पैसेज को आप कैसे सोल्व करेंगे इसके बारे में जानकारी अगली वीडियो में मिलेगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही था, लेकिन आपको टारगेट कैसे आप अचीव कर पाएंगे, यहाँ से आपको इंग्लिश में 17 नंबर आएंगे कम से कम की बात की जा रही है, और उसके बाद आपको कितना आएंगे 30 नंबर में 25 नंबर आप कहाँ से रागा सेक्शन से अचीव कर सकते हैं, रागा में जो 14 से 15 नंबर रीजनिंग का था यहाँ से आपको कम से कम 13 नंबर मिल जाएगा, मैथ से भी 5 नंबर मिल जाएगा और जीके जीएस से भी 3 4 नंबर मिल ही जाएंगे, इस प्रकार आप 25 नंबर यहाँ पे आप रीजनिंग में चाहे तो 15 में 15 क्वेश्चन भी सही कर सकते हैं, 15 तो 15 ही 24 हो गया, यानी कि 25 नंबर आप रागा से ले सकते हैं, 17 नंबर यहाँ से ले सकते हैं, कितना हो गया 42 नंबर हो गया, आप 42 नंबर गारंटी ले सकते हैं अगर चाहे तो, या आप इंग्लिश में कुछ कम भी हो जाए, इंग्लिश में कुछ कम हो जाए मान लीजिए 20 में से 13 ही नंबर मिल रहे हैं तो फिर भी आपका कितना हो गया 38 नंबर तो हो गया, ऐसे ही 38 नंबर हो गया, इंग्लिश आप बढ़ाइए और रागा में 25 में 25 ला 30 में 25 लाने की गारंटी आप अचीव कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक से, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ऐसे ही आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी डीबीएस स्टडी और डीबीएस क्लासेस दोनों चैनल पे। चलिए तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे कल किसी न्यू टॉपिक के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।